दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइनरी लाइफ प्रोजेक्ट्स और मैं हूं विजय विश्वा। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक का काम करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, खुले तारों को ना छुएं। दोस्तों, यह है एलईडी सीरीज टेस्टर का सर्किट डायग्राम। इसका जो फिजिकल रूप इस प्रकार से दिखता है, इसे हम अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। अब मैं 8mm एलईडी सीरीज़ को टेस्ट करना बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5mm एलईडी मल्टी कलर की एलईडी सीरीज़ को टेस्ट करना देखा था। अभी यहाँ पर हम लोग 8mm की सिंगल कलर की एलईडी को टेस्ट करना देख रहे हैं। कैसे टेस्ट होगा, कैसे हम लोग कर सकते हैं, प्रोसेस सब सेम है। लेकिन कई बार पूछा जाएगा भाई कि 8mm की एलईडी सीरीज़ को कैसे टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये भी वीडियो बना दिया है कि जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। दोनों का तरीका एक ही है, दोनों को एक ही तरीके से टेस्ट करना है। अब ये एलईडी सीरीज तो ठीक थी, अभी आपने देखा तो चल रही थी, तो मैं इसको खराब कर दे रहा हूं। इसमें से एक वायर निकाल दे रहा हूं। एक वायर मैंने निकाल दिया है रेंडमली। अब अपन क्या होगा, हमें नहीं मालूम कि इसमें कौन सा एलईडी में से वायर निकाला है। इसको पैक करके हम लोग इसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस सेम है, इसमें से हम लोग इसमें डायोड या रेक्टिफायर जो है वो हम निकाल देंगे। देखिए, पहले हम लोग टेस्ट करके देखते हैं जल रही कि नहीं। मैंने वायर निकाल दिया तो मतलब कोई सीरीज का जो है एलईडी नहीं जल पा रहा है। अब यहाँ से डायोड निकाल लेते हैं। डायोड निकालने के बाद में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैसा टेस्ट किया था उसी प्रकार से इसको फिर से टेस्ट करना है। बहुत ही आसानी से टेस्ट हो जाती है कोई भी सीरीज़। 5-10 मिनट में कोई भी सीरीज़ रिपेयर कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा डिवाइस है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। इसमें से देखिए, वाइट वाला जो वायर है वो हमारा वायर लेना है, और जो ब्लू वाला है वो फीडबैक वायर है। फीडबैक वायर को हटा दीजिए। इसमें से हम लोगों ने एक लास्ट वाली एलईडी लेनी है। मतलब हम लोग तीन पॉइंट लेना पड़ता है, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। अरे ये तो वही वाली एलईडी हाथ में आ गई, मिडिल वाली जो हम लोगों ने निकाली थी जिसका वायर। अब ये दूसरा हम लोग एलईडी ले लेते हैं, उसको ओपन करके, ओपन करने के बाद में उसको टेस्ट करेंगे। एक बार टेस्टर को लगा कर टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, चल रहा है ये, बढ़िया। अब हम फुल एलईडी सीरीज़ को टेस्ट करते हैं जो कि हमें मालूम है नहीं चालू है। अब मिडिल पॉइंट से चेक करते हैं। मिडिल पॉइंट से देखा हमने, फर्स्ट और मिडिल तो नहीं चल रहा था, और लास्ट और मिडिल देखा तो एलईडी सीरीज़ जल रही है, यानी कि फॉल्ट इस पाले में है। तो जितना सीरीज चालू था, सबसे पहले पावर सप्लाई को हटा दें, टेस्टर की शॉक लगने का खतरा होता है। अब जितना सीरीज सही था, चालू था, उसको अपन अलग कर देते हैं, और बाकी जो ख़राब था उसमें भी एक मिडिल पॉइंट ले लेते हैं। इसमें से एक एलईडी निकाल लेंगे। अब हमारे पास फिर से तीन पॉइंट हो गए। इसमें भी लास्ट वाले को, मिडिल वाले को टेस्ट करेंगे, ये नहीं चालू है, यानी कि फॉल्ट इन दोनों के बीच में है, और यहाँ पे चालू है एलईडी। अब एलईडी यहाँ पर चल रही है, यानी कि इतना सही था। अब हमें टेस्ट करना है जितने में चालू नहीं था। दो पॉइंट तो है हमारे पास, अब इसमें से एक आध बीच में पॉइंट ले देते हैं। देखते जाइए आप, धीरे धीरे एलईडी जो है कम होती चली जा रही हैं, और हमारा टेस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होता चला जा रहा है। अब मात्र इतनी एलईडी में ही है कोई एलईडी जिसमें फॉल्ट है। ये भी जल रही है इतनी, यानी कि इस पाले में खराबी है। यहां से इस एलईडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि इसी में कोई खराबी है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के बाकी जितनी एलईडी सीरीज चालू थी उसको हटा के इतनी एलईडी चेक कर लेंगे। अब ज़्यादा एलईडी तो है नहीं है,
हम लोग वैसे ही टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने तो वायर निकाला था, वही अपनी एलईडी हाथ में आ गई। अब हम इसे, जो कि हमने टेस्टर के थ्रू उसको टेस्ट किया, पकड़ा, उसमें हमें आसानी से बिल्कुल परफेक्टली उसने पकड़वा दिया कि इस एलईडी में यहाँ इतने बीच में ख़राबी है। अब उसमें एक एलईडी हम लोग कम एलईडी बचे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए आप, अब तो एलईडी हमें मालूम है सही हो गई होगी। अब लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि चालू हुई कि नहीं। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मुझे लगता है, आसानी से आप एलईडी सीरीज़ को टेस्ट कर पाएंगे।